जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Radha Madhav Radhe Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता क्लास में। तो आज का जो ये टॉपिक है क्लास का श्लोक नंबर क्या है 14 चौथे अध्याय का। तो इस श्लोक को मैंने एक शीर्षक दिया है, इसका शीर्षक है क्या हम कर्म के नियम से मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रश्न मेरा आप सबसे है सबसे पहले,
कि आप लोग बताइए कि क्या हम कर्म के नियम से मुक्त हो सकते हैं? कितने लोग कहते हैं कि मुक्त हो सकते हैं? तो वही, हम कर्म के नियम से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जप करके। यस यस, और कोई? निष्काम कर्म करके। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या होता है? ओके, ये इसका आंसर जानने के लिए, हाँ, इसमें फल की इच्छा ना हो। अच्छा, मतलब फल की इच्छा ना हो, ये कभी कभी ऐसा, मतलब कैसे ले सकते हैं इसको? फल की इच्छा ना हो, कभी कभी ऐसा भी लगता है, ठीक है, हम मतलब जैसे कि मान लो हम कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कैसा भी बने पता नहीं, उसका फल भगवान को, मतलब खुद कुछ, खुद के लिए कुछ भी नहीं। आप सबका जवाब सही है। तो इसका जवाब जानने के लिए और विस्तृत रूप में अब हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस श्लोक का जो है, जो श्लोक को खंडित करके बताता हूँ छोटे छोटे शब्दों में, शब्दार्थ के रूप में, उसके बाद हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले वर्ड आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, न कभी नहीं, माम मुझको, कर्माणि सभी प्रकार के कर्म, लिम्पंती प्रभावित करते हैं, न नहीं, मैं मेरी, कर्म फले सकाम कर्म में, स्प्रिहा महत्वाकांक्षा, इति इस, माम मुझको, यह जो, अभी जानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से, न कभी नहीं, सह वह, बध्यते बंध पाता है। तो श्लोक मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप सब इस तरह से, श्लोक, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमे कर्म फले स्पृहा। ये पहली लाइन है। ये श्लोक कौन बोल रहा है, भगवान या अर्जुन? भगवान कह रहे हैं, बोलते हैं नमाम कर्मामि लिम्पन्ति, मतलब कर्म में मैं जो है लिप्त नहीं होता, न मैं कर्म फले स्पृहा, ना ही कर्म फल से मेरा कोई प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर। इति माम यो भी जानाति, इति माम यो भी जानाति, कर्म भिन्न सबध्यते, इति माम यो भी जानाति, इस तरह से जो भी मुझे जानता है, इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा पहली लाइन में बताया गया है। पहली लाइन में क्या बताया गया था? हाँ, ना मैं कर्म के बंधन में बनता हूँ, ना कर्म फल का कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से मुझे कोई जानता है तो क्या होता है, कर्म भिन्न न बध्यते, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसका श्लोक हम दोबारा उच्चारण करेंगे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति, कर्म भिन्न सबध्यते। अब इसका जो अर्थ है, मुझे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं मेरे, हाँ लिखा है।
तो जैसा मैंने ही बोला, मुझ पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझ पर पड़ता है, भगवान पर नहीं पड़ता। हाँ जी, क्या तो ये जो है ऐसा बता रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मुझ पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे हम देखते हैं कई बार कि अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति को देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के आदेश का पालन नहीं करता। हर व्यक्ति किसी ना किसी के आदेश का पालन करता जरूर है, किसी ना किसी नियम कानून से बंधा है हर व्यक्ति यहाँ पे, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो, चाहे छोटे से घर का मालिक हो, चाहे घर का नौकर होता हो तो वैसे भी मानेगा। तो हर व्यक्ति किसी न किसी की बात मानता ही मानता है। तो एक बार ऐसा ही क्या हुआ कि एक व्यक्ति को बहुत जिज्ञासा हुई, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है मैं उसकी पूजा करूं। तो वो क्या करता है, एक राजा का एक सेवक था, उसको कहीं राजा का सेवक मिला जो कि जो इसके पास मतलब बहुत सारी सुविधाएं थी, बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा था वो। तो व्यक्ति उसके पास पहुंचा, सेवक के पास, बोला कि मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे महान व्यक्ति आप ही हो, क्योंकि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो कहता, नहीं, मैं तो राजा का सेवक हूँ, मुझसे महान तो राजा है। तो कहता, अच्छा, तो तुम राजा की बात मानते हो। तो राजा के पास चला गया। फिर राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आप हो, क्योंकि पूरी प्रजा तो आप ही की बात मानती है, आप यहाँ के राजा हो। राजा कहता, नहीं, मैं नहीं हूँ यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ, मुझसे ऊपर तो ब्राह्मण है जिनके अनुसार मैं राज्य कर रहा हूँ। तो अगर आपको सर्वश्रेष्ठ मानना ही है तो आप उनकी पूजा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो जाकर। तो राजा, तो फिर वो व्यक्ति ब्राह्मणों के पास चला जाता है। फिर ब्राह्मणों से कहता है कि मतलब मैंने ये जाना है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, सर्वश्रेष्ठ तो हमारे स्वामी हैं जो कि स्वयं श्री नारायण है, वो असली में सर्वश्रेष्ठ है, अगर पूजा करनी है तो उनकी करो। तो इस तरह से जिज्ञासा करते करते वो व्यक्ति स्वयं भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान की पूजा करने पे पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम कई बार कई लोगों को अपना स्वामी मान लेते हैं, अपना इष्ट मान लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि ये भी किसी की बात मानता है। तो फिर कई बार हमें इनसिक्योरिटी फील होती है कि हम तो जिसकी बात मान रहे थे वो तो खुद किसी का नौकर है, तो फिर इसका मतलब मेरे लिए तो डबल हो गया, मतलब तो ये तो बहुत मेरे लिए इनसिक्योर पोजीशन हो गई, क्योंकि वो खुद किसी का गुलाम है जिसका मैं सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो अगर सर्वेंट ही बनना है तो क्यों ना सबसे जो सबसे उच्चतम है उनका सर्वेंट बना जाए। तो भगवान ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं जो किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, कहने का मतलब कि उनको किसी की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबके राजा हैं, क्योंकि सबके कर्मबंध सबसे कर्मबंधन से ऊपर हैं वो। भौतिक प्रकृति का कोई भी कर्म का बंधन का नियम उनके ऊपर नहीं लगता है। तो ऐसे ही बताते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था एक व्यक्ति का, जिसने जिज्ञासा करते करते सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तक पहुंच गया, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, स्वयं भगवान है। तो वही यहाँ पे बताते हैं भगवान कि मुझ पर किसी भी तरह के कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो है युद्ध करो ना, क्योंकि युद्ध करना जो है वो ये मैंने निर्दिष्ट किया है, युद्ध तो होना ही है, क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की थी किस लिए, ताकि लोग जो है शुद्ध होकर भगवत धाम जा सके, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा कर सके। लेकिन ये लोग तो यहाँ पे अपना घर बसा रहे हैं, ये लोग तो अपने यहाँ पे सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और बाकी लोगों पर दबदबा जमा रहे हैं। आप देखो, इस भौतिक जगत में रहना बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी के ऊपर दबाव डाल के ही रहा जा सकता है यहाँ पे, कि हर व्यक्ति जो यहाँ जिएगा, जैसे बोलते हैं एक श्लोक भी है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव को खाता है। तो जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फूड चेन भी पढ़ते हैं, तो फूड चेन शुरू कहाँ से होता है, प्लांट से शुरू होता है, लेकिन होता क्या है, ग्रेजुअली एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को खाती है, जीवात्मा जीवात्मा को नहीं खाती, मतलब जीवात्मा जीवात्मा के शरीर को खाती है। तो एक लिविंग एंटिटी दूसरी लिविंग एंटिटी का भोजन है। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति शक्तिशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो क्या करेगा, अपने से नीचे वालों को खा जाएगा, है ना, तभी वो शक्तिशाली बन सकता है। ग्रेट बनने का मतलब क्या है, हम कई लोगों को अपना दास बनाएंगे तभी ग्रेट बनेंगे। तो इसलिए
तो भगवान ने ऐसा देखा, सब लोग क्या कर रहे थे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे सिर्फ, और हर तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा था। तो फिर ऐसा द्रौपदी भगवान से पूछती भी है एक बार कि ठीक है, सभा में मैंने इतना पुकारा आपको, आप आ गए और आपने मुझे बचा भी लिया, लेकिन दुशासन को कुछ क्यों नहीं किया, कि मतलब अगर आप हमारे, अब तो हमारे मित्र भी हैं, मतलब मेरे भ्राता, मतलब मेरे जो पति हैं उनके आप मित्र भी हैं और हम सब आपके भक्त हैं ना, तो भगवान को क्या चाहिए कि अगर भक्त अगर संकट में है, तो कई बार हम देखते भी हैं जैसे गजेंद्र, जो गजेंद्र नाम के एक हाथी थे ना, वो एक बार वो स्नान कर रहे थे समुद्र में किसी नदी के किनारे, तो एक मगर है उसने क्या किया था, उनकी टांग को पकड़ लिया था। मगरमच्छ पानी में इतना शक्तिशाली होता है, हाथी की तरह शक्तिशाली होता है बिल्कुल, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, ऐसा एक स्लोगन भी आता है, पानी में रहकर मगरमच्छ से कभी बैर नहीं करना चाहिए। तो मगरमच्छ इतना पावरफुल हो जाता है पानी के अंदर, अब हाथी ने उसका पैर पकड़ लिया, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो मगरमच्छ जो है वो उस वक्त क्या करता है, अपने प्राण बचाने के लिए भगवान को पुकारता है। तो बताते हैं कभी कभी ऐसी असहाय स्थिति में जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो इवन अपने प्राण बचाने के लिए भी अगर हम भगवान को पुकारते हैं, तो ये संभव एक शुद्ध भक्ति का एक लक्षण प्रकट करता है, क्योंकि हम मुसीबत में किसको बुला रहे हैं, भगवान को, है ना, और बिल्कुल एकदम मतलब विह्वल होकर पुकार रहे हैं, मतलब असहाय होकर पुकार रहे हैं। तो उस वक्त देखते भगवान प्रकट होते हैं और वो क्या करते हैं, सुदर्शन से उसकी गर्दन काट देते हैं उस मगरमच्छ की। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दुशासन के केस में ऐसा नहीं किया उन्होंने, जबकि चाहते तो सबके सामने दुशासन को मार सकते थे। इवन आप देखो कि उससे जस्ट पहले क्या हुआ था, भगवान के आने से पहले विदुर जी ने भी विरोध किया था इसका। विदुर जी कौन है, उनके एक तरह से अंकल है, दुर्योधन के चाचा है ना। वास्तव में विदुर कौन है, यमराज खुद है ना, यमराज ऐसा। तो अगर विदुर जी ने अपना असली रूप दिखा दिया होता दुर्योधन को उस समय कि देखो मैं कौन हूँ, तुम मुझे भगा रहे हो यहाँ से ना, तो क्या आपको लगता है दुर्योधन कभी उनके ऊपर अटैक कर पाता, कभी इस तरह से बोल पाता ना, सामने ही साक्षात यमराज खड़े हैं ना। तो लेकिन ऐसा उनको, उन्होंने एक भक्त का देखे कैसा स्वभाव होता है, उन्होंने इस परिस्थिति को किस तरह से लिया, उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा भगवान का अरेंजमेंट है कि मैं पहले यमराज था तो उस वक्त मुझे क्या सेवा मिली थी, यमराज की क्या सेवा होती है, क्या करते हैं यमराज, पापियों को दंड देते हैं, दिन भर मार पिटाई का काम है ना, सजा देना बस ना। तो अब जो यमदूत होते हैं, यमदूत कौन बनते हैं, यमदूत कौन होते हैं, कौन लोग यमदूत बनते हैं, किसी को कोई आइडिया, कहीं किसी ने पढ़ा हो सुना हो, नहीं बार बार नहीं, जो लगातार रहता है, जैसे बताते हैं अगर किसी का पिंडदान नहीं होता काफी समय तक, तो पिंडदान करने से क्या होता है कि जो लोग वहां रहते हैं पितरलोक में उनको भोजन मिलता है, उनको आवास मिलता है ना। तो अगर जिसका पिंडदान नहीं होता अगर काफी समय तक, तो कहते हैं बैठे बैठे थोड़ी खिलाएंगे तुम लोगों को ना, अब चलो कुछ काम करो, तो वो लोग जो है फिर बाद में यमदूत बन जाते हैं जिनका पिंडदान नहीं होता है। तो कई बार ऐसा देखते हैं भगवद गीता में भी ऐसा बता रहे, अर्जुन बताते हैं भगवान से को बोलते हैं कि हे भगवान आप जो है मुझे कह रहे हो कि इन सबको मतलब मारो, अगर इन सबको मार दूंगा तो क्या होगा कि पिंडदान होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो सभ्यता है वो तो इन वरिष्ठ के हाथों में है, ये वरिष्ठ चले जाएंगे तो सभ्यता चली जाएगी, तो पिंडदान नहीं होगा, तो जितने पितर है वो सब उनका पतन हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसलिए कई बार जैसे कई लोग हैं कि पहले भारत में रहते हैं फिर विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं तो पिंडदान करना बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उनके जो पूर्वज हैं वो क्या होंगे, फिर यमदूत बनेंगे या फिर वो फिर नर्क में वापस गिर जाएंगे, इस तरह से कुछ इनका फेट होगा, है ना। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा अगर भक्ति कर रहा है तो उनके पेरेंट्स नेचुरली जो है वो वहां से मुक्त हो जाएंगे। तो यमदूत वो लोग बनते हैं जिनका पिंडदान जो है लंबे समय तक नहीं होता है। तो अब यमराज जो है उस समय, अब वो खुद यमराज है ना, तो विदुर जी सोचते हैं कि मैं जो है पहले यमराज था और मेरा सेवा क्या था, बस लोगों को सजा देना, लोगों को दंड देना, अब क्या है, तो वहां मैं दिन भर पॉलिटिक्स में ही फंसा रहता था, जब कभी किसी को ये सजा दो कभी किसी को वो सजा दो और हर किसी की सुनते रहो। तो उन्होंने एक बार भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कभी मुझे यहाँ से ना छुट्टी भी दो, मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रचार करूँ आपके नाम का।
तो मैं तो ये आज्ञा लेकर वहां से आया था ना, और यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी मैं दुर्योधन और ये जो है धृतराष्ट्र इन सब के चक्कर में पड़ करके जो है राजनीति के चक्कर में पड़ा हुआ हूं ना, कैसे राज्य सही से चलाना चाहिए ना, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, वो उद्देश्य तो पूरा कर नहीं पा रहा हूं। तो फिर उन्होंने इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि अच्छा है कि इन्होंने मुझे जाने को कह दिया, अब इसी बहाने मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा ना। तो फिर वो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, उन्होंने जो है अलग अलग साधु पुरुषों से भक्तों से जो है वो मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद फिर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और फिर जो है वो उसका प्रचार किया। तो आप देखते हो शुरू से अंत तक धृतराष्ट्र को हमेशा ही जो है विदुर कहते रहते हैं ऐसा कि तुम जो है ना जो कर रहे हो, तुम दुर्योधन का इतना साथ दे रहे हो, बिल्कुल सही नहीं है ना। अगर तुम अपने इस पूरे वंश का विनाश नहीं चाहते हो तो दुर्योधन को त्याग दो, ऐसा बताते हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र को दिखा करके कि पुत्र मोह इतना खतरनाक होता है कि जो है मतलब ऐसा बताते हैं अगर एक परिवार के लिए, एक पूरे परिवार के लिए एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। यहाँ तो 100 बच्चों की बात थी, सिर्फ एकमात्र दुर्योधन की वजह से पूरे परिवार का विनाश हो गया। तो हमेशा ही उनको विदुर जी बताते रहते थे कि तुम जो है दुर्योधन को त्याग दो ना, और तुम जो है कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति करो ना। कृष्ण स्वयं भगवान है जो यहाँ द्वारका में, यहाँ हमेशा जो हस्तिनापुर में आते हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी शरण में जाओ, दुर्योधन की बात मत सुनो। लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो बताते हैं पुत्र मोह इतना खतरनाक होता है कि किसी को जो है इवन भगवान को भी भगवान मानने से मना कर देता है वो। तो फिर क्या हुआ, लेकिन विदुर जी ने देखा जब वो तीर्थ यात्रा करके खुद वैराग्य का जीवन स्वीकार किया जब, और तीर्थ यात्रा करके जब अच्छे से भक्ति करके जब वो वापस आते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक बार बोला कि धृतराष्ट्र तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है दुर्योधन के जो भीम के झूठे पे पल रहे हो, भीम खाता है और फिर खा करके कुछ टुकड़ा फेंक देता है, तुम वो खा करके जी रहे हो और तुम खुद को बोलते हो तुम राजा हो, इस तरह से बोलते हैं उनको विदुर जी धृतराष्ट्र को। मतलब कहने का मतलब जिस भीम ने तुम्हारे 100 बेटे को मारा है उसके घर में तुम रह रहे हो ना, और शान से रह रहे हो ना अभी इतनी बुढ़ापे की एज में। तो फिर ये सुन करके उनको बहुत बुरा लगता है, उनको धृतराष्ट्र को सही में रियलाइज होता है। हम देखते हैं कि तब बताते हैं जब खुद व्यक्ति इतनी भक्ति करता है ना, तभी जब वो दूसरे को शिक्षा दे तब उसके ऊपर असर हो सकता है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो विदुर जी और धृतराष्ट्र अपने एग्जांपल्स यहाँ दिखाते हैं। तो भक्त जो है, कहने का मतलब जो विदुर जी के बारे में बता रहे थे, भक्त जो है सिचुएशन को सही तरीके से लेते हैं, वो हर एक परिस्थिति में ये देखते हैं कि हमारा भक्ति में प्रगति करने का ये एक तरीका है जो भगवान ने दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है भगवान ने भक्ति में प्रगति करने का। अगर उनको कोई कष्ट देता है तो तब भी वह यही समझते हैं कि भगवान ने कोई नई जो है अपॉर्चुनिटी दी है मुझे प्रगति करने के लिए। जैसे कि बताते हैं कि कभी भी कोई भी लिमिटेशन हमारी, हमारी कोई भी अयोग्यता जो है हमारे लिए रुकावट नहीं है किसी भी तरह के सक्सेस को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा फेमस एग्जाम्पल आता है, एक स्टूडेंट को कुंफू सीखना था, कुंफू कराटे, तो कराटे सीखना था। तो एक बार अपने टीचर के पास जाते हैं, अब उस बच्चे का एक ही हाथ था, उसके पास दाहिना हाथ था, बायां हाथ नहीं था उसका। तो वो टीचर के पास सीखने जाता है कुंफू ना। अब आप सोचो क्या कोई एक हाथ वाला व्यक्ति कराटे सीख सकता है क्या, मतलब सुन के भी अजीब लग रहा है ना कि एक हाथ वाला व्यक्ति कराटे कैसे सीख सकता है। तो जब वो इसी तरह से जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसे ही, जैसा हम लोग को लग रहा है वैसे ही, वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट थे उन्होंने, वो लोग हंसने लगे उसके ऊपर ना, क्या मूर्ख है ना, इतने सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम तो सीख नहीं पा रहे हैं ना, कराटे की एक स्टेप भी ढंग से नहीं कर पाते और तुम करोगे कराटे, चलो यहां से। तो इस तरह से उसको ताने देने लग गए ना। तो जब टीचर के पास गया वो, तो टीचर ने बोला मैं सिखाऊंगा ना, क्योंकि टीचर ने उसका डेडिकेशन देखा, बोला मैं सिखाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, इस तरह से काफ़ी समय तक उन्होंने प्रैक्टिस कराई उनको। अब एक बार चैंपियनशिप में जाने का जो है मौका मिला, जाने का ऑफर आया, तो सब टीचर्स को बोला गया कि डिसाइड करिए कौन जाएगा यहाँ से। तो कोच ने बोला कि ये बच्चा जाएगा जिसका एक हाथ नहीं है ना, बाकी कोई नहीं जाएगा। सब लोग बिल्कुल एकदम रिवेलियस हो गए, ऐसा कैसे ना, इसका तो एक हाथ है भी नहीं, मारा जाएगा जाएगा वहाँ तो ना, इसको मरने के लिए भेज रहे हैं। तो नहीं, यही जाएगा। तो फिर ठीक है, कह दिया उन्होंने, तो वही गया। फिर तो
फिर क्या हुआ कि वो कराटे गेम में गए वहां पे और खेल करके आए, जीत करके आ गए, ट्रॉफी लेकर आए, ट्रॉफी लेकर के लाकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया, बोला बस आपकी वजह से सब कुछ हुआ है ना। हाँ, गुरुदेव कृष्ण कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ हो पाया है ना। मैं तो, मेरा तो योग्यता नहीं था, मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, योग्यता तो छोड़ो, ऐसा कह रहे थे वो। तो फिर अब बताते हैं, तो बाकी शिष्य भी जो है हैरान हो गए कि कैसे जीत गया यार गेम ये, सब पूछ रहे, सब पूछते बताओ यार कैसे जीत गया इतना बड़ा गेम तुमने। तो फिर तो वो तो कुछ बोल नहीं पाता, वो कह रहा था कि जो टीचर ने सिखाया उसकी वजह से जीता हूँ मैं तो। तो बोला टीचर तो हमने तो हमें भी सिखाया, हम तो नहीं जीत पाए थे कभी। तो फिर टीचर से ही पूछा, तो टीचर ने बताया उसको, देखो ऐसा है, इसको मैंने जो स्टेप बताई थी उस स्टेप को काउंटरैक्ट करने के लिए इसके पास जो है वो एक बायां हाथ होना चाहिए था, क्योंकि अगर मान लो कि वो अगर लेफ्ट हैंड से किक कर रहा है, राइट हैंड से किक कर रहा है, बायां हाथ है नहीं, तो सामने वाला पकड़ने के लिए उसका कौन सा हाथ पकड़ेगा, बायां हाथ, क्योंकि उसके पास है नहीं, तो बायां हाथ पकड़ेगा नहीं तो क्या होगा, वो उसका काउंटरैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास कोई उपाय ही नहीं इसको मार गिराने के लिए, तो इस वजह से जो है वो बच गया, तो इस वजह से वो जीत कर आ गया। तो शिष्य की जो है योग्यता, शिष्य का सिंसियरिटी देख करके गुरु ने ऐसा जो है वो एक नया जो है दिमाग लगाया उसके लिए। तो बताते हैं, इसलिए बताते हैं, कोई भी अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं किसी भी तरह की लिमिटेशन जो है अयोग्यता नहीं है। कई बार होता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग मान लो बीमार हो गए, पैरालिसिस हो गया ना, तो चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, कुछ समय के लिए पैरालिसिस हो गया तो बेड पे बैठे रहते रहते हैं ना। तो ऐसे ही कई लोगों का एग्जाम्पल आता है कि मैं, मुझे तो पैरालिसिस हो गया था तो मैं बस बैठा रहता था ऐसे ही, तो मैंने सोचा बैठा बैठा क्या करूँगा, तो बुक निकाल के पढ़ता हूँ, तो मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिया मैंने बुक, फिर मैंने सोचा चलो पढ़ लिया पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा पढ़ाने लग गया कि आज बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, तो लोग जो है मेरे फ़ैन है। इस तरह से कई लोगों का ऐसा बायोग्राफी आता है ना। तो कहने का मतलब किसी भी तरह की लिमिटेशन अयोग्यता नहीं है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे ही भक्त जो है अपॉर्चुनिटी को किस रूप में देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं उनकी भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो विदुर जी अपने एग्जाम्पल से ये बताते हैं। तो वहां पे मैं ये बता रहा था कि दुशासन जिसको भगवान ने मारा क्यों नहीं उस समय, चाहते तो उसको वही मार सकते थे ना, या फिर पांडवों को इतनी शक्ति दे सकते थे मार सके दुशासन को। तो उन्होंने बाद में बताया कि एक्चुअली मेरा जो प्लान थोड़ा बड़ा प्लान था ना, क्योंकि मैंने देखा ये सारे राजा आसुरी राजा हो गए हैं, तो ये तो सिर्फ एक माध्यम है, इस वजह से महाभारत का युद्ध होगा और इस युद्ध में सारे जितने ये योद्धा राजा है ना इन सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर जो है वो तब बेमतलब आतंक मचा रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इतना बड़ा युद्ध रचा गया ना। कई लोग कहते हैं कि महाभारत और रामायण दोनों जो है किसकी वजह से हुआ है, स्त्री की वजह से हुआ है, एक तो द्रौपदी की वजह से और एक जो है वो सीता माता की वजह से। ये बात थोड़ी फैक्ट है, पर सब कुछ ये नहीं है ना, इसके पीछे भगवान का प्लान भी देखना चाहिए ना। अगर ऐसा ही है तो फिर तो हमेशा युद्ध होता रहेगा ना, इसके पीछे भगवान का प्लान भी देखना चाहिए ना। तो भगवान का इस समय ये प्लान था कि चाहते थे भगवान कि ये होने के बाद क्या होगा। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने जबरदस्ती द्रौपदी को ऐसी कंडीशन में डाला, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना। भगवान जो है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं ना, भगवान को पता है कैसे कर्म का बंधन हमारा किस तरह से है, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कर्म के बंधन में नहीं फंसते, लेकिन हम तो है ना, हमने कौन से जन्म में कौन से कर्म किए हैं उसका कब फल मिलेगा कभी पता नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल कई बार बताया है, धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं जो इनसे व्यासदेव से कि जो है मेरे 100 पुत्र मारे गए मेरे आंखों के सामने, कितना बड़ा पाप किया था मैंने ऐसा, और कब किया ऐसा पाप मैंने, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं, 100-100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए। तो ऐसा बताते हैं कि कोई भी कर्म फल तब तक नजर नहीं आता, कर्म का फल जब तक नजर नहीं आता जब तक उतनी स्वीकृति हमारे पास नहीं हो, उतने क्रेडिट नहीं हो हमारे पास ना। जैसे मान लो आपका 1,00,000 रुपये खोना है, 1,00,000 रुपये खोने के लिए क्या चाहिए, 1,00,000 होना तो चाहिए आपके पास। तो जब आप 1,00,000 रुपये कमाओगे, जमा करते करते 1,00,000 रुपये जमा करोगे, फिर क्या होगा, तब वो खो जाएगा।
आप बोलोगे इतनी मेहनत से कमाया था, वो तो आपने मेहनत किया, लेकिन क्योंकि वो खोना कर्मफल था इसलिए वहां तक पहुंचना जरूरी था आपका, है ना। जैसे किसी को बोले ना जो आपकी, जैसे आप किसी को बोले किसी की मृत्यु जो है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर निश्चित है ना, तो 10 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर जाएगा चल के, तब तो मृत्यु होगी, कोई ना कोई ऐसा जो मतलब ऐसा कंडीशन बनेगी 10 किलोमीटर दूर जाएगा ना। जैसे कि वैसे एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे ना, तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति ऐसे घूम रहा था रास्ते में, उसकी उस दिन मृत्यु लिखी थी ना, तो यमराज जो है उसके मतलब बगल से निकले उसके, तो यमराज ने उसको घूर के देखा उस व्यक्ति को, अरे ये व्यक्ति यहाँ पे कैसे है। तो फिर जो है वो, अब वो व्यक्ति डर गया, बोला कि लगता है मेरी मृत्यु है क्या, यमराज मेरे आसपास आते रहते बार बार आ रहे हैं। तो फिर वो गरुड़देव के पास गया, बोला कि मैं ना मुझे बड़ा डर लग रहा है ना, तो क्या हो गया, तो यमराज जो है मुझे इतना घूर घूर के देख रहे थे आज मुझे मिले थे। तो बोले कि, तो फिर उन्हें फिर गए, फिर बोले कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुमको ऐसा करता हूँ इतनी दूर छोड़ के आऊँगा यमराज पहुँच भी नहीं पाएंगे तुम्हारे तक। तो उसको ले गए वहाँ से काफ़ी दूर, वहाँ छोड़ के आ गए। फिर जब वापस आए तो फिर यमराज से मिलने गए गरुड़देव, बता बोले कि आप क्यों डराते रहते हो जीवात्माओं को, मरना तो एक दिन है ही। तो फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो ये सोच के हैरान था कि इसकी मृत्यु तो यहाँ से बहुत दूर लिखी थी ना वहाँ पे ना, वो यहाँ क्या कर रहा है और इसके पास समय का बहुत कम है, इतनी जल्दी वहाँ पहुँचे कैसे ये। तो फिर गरुड़देव पूछते कहाँ पे जाना था, तो फिर उन्होंने जो एड्रेस बताया वही एड्रेस पे गरुड़देव छोड़ के आए थे। बोले कि अच्छा तभी तो मृत्यु हुई, अब तभी तो होगी मृत्यु। तो कहने का मतलब जो हमारा कर्मफल इतना कॉम्प्लेक्स है ना, वो मिलता तब है जब उतनी कंडीशन मतलब उतना क्रेडिट हमारे पास हो ना। तो इसलिए कभी कभी जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा भी लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, तब तक जॉब नहीं किया था तब तक तो मतलब मेरा एक भी पैसा गुम नहीं होता, जॉब करने के बाद फ़ोन भी गुम हो गया, पैसा भी गुम हो गया, बाइक भी चोरी हो रहा है, क्योंकि अभी तो अब है बाइक ना, तो अब चोरी होगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि भौतिक जगत में संविधान के नियम होते हैं, तो बता संविधान के नियम क्या बताते हैं कि राजा को संविधान के अनुसार दंड नहीं मिलता, राजा दंडनीय नहीं होता है। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए हम देखते हैं जब देखते हैं परीक्षित महाराज के पास टाइम में देखते हैं, परीक्षित महाराज ने क्या किया था कि उस वक्त उनको बहुत जोर की प्यास लगी युद्ध, तो कहीं शिकार पे गए थे, बहुत जोर की प्यास लगी, तो वो घूमते मतलब जंगल में ढूंढ रहे थे कहीं पे उनको पानी मिल जाए पीने के लिए। तो प्यास से इतने ज़्यादा उतावले हो गए थे कि वो फिर अब किस एक ऋषि का आश्रम दिखा तो वहाँ आश्रम में चले गए। तो उन्होंने आश्रम में कई बार आवाज़ लगाई कि मुझे जो है पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, बस इतनी सी बात पे उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद सर्प काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ऐसा बताते हैं कि एक राजा को कभी भी इतनी छोटी सी गलती के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, कुछ भी हो वो है तो राजा, वो इतना बड़ा भार संभाल रहा है ना। तो इसी सेंस में हम कई बार देखते हैं इंद्र को भी, है ना, कई बार इंद्र के, अगर इंद्र का नाम लेते हैं तो लोगों के मन में एक बहुत अजीब मतलब गलत इमेज बन जाती है ना, कि क्या इंद्र है ना, इंद्र का तो कोई चरित्र नहीं है, पता नहीं कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, इंद्र ने बहुत बड़े मतलब, क्योंकि इंद्र बहुत बड़ी पोस्ट संभाल रहे हैं ना, इस पूरे वर्ल्ड का मैनेजमेंट देख रहे हैं इंद्र ना, वर्षा के देवता है ना। तो जो राजा की पोजिशन पे है वो वास्तव में उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, सजा देना उनको मतलब एक नॉर्मल तरीके से सजा उनको नहीं दी जा सकती छोटी छोटी गलती पे। तो ऐसा बताते हैं, इसलिए राजा अगर छोटी छोटी गलती करे तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि वो राजा है, अगर वो चला जाएगा फिर क्या होगा। परीक्षित महाराज का के केस में क्या हुआ, परीक्षित महाराज चले गए ना उनके सर्प काटने की वजह से, उसके बाद क्या हुआ, उनके जाते ही कलयुग ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि संविधान के नियम के अनुसार ऐसा बताते हैं, राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते, सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों का पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा बता रहे हैं, जीवात्मा सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, लेकिन कर्म फलों में बंधी क्यों रहती है बता रहे हैं, क्योंकि
वो प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व मतलब लॉर्डशिप मेंटेलिटी होती है ना, जैसे बोलते हैं जितने भी प्राकृतिक साधन रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस पे अपना जो है वो अधिकार जमाना चाहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा क्षेत्र है ना, ये मेरा कंपनी है, मेरा इलाका है ना, यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो इस तरह से जो है वो उसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, इस वजह से उनके ऊपर कर्मफल लगना शुरू हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो पूरी पृथ्वी हमारी है ना, सिर्फ एक छोटा घर क्यों ना, क्योंकि हम कौन हैं, किसकी संतान है, हम स्वयं भगवान के संतान हैं। और भगवान का साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भगवान का साम्राज्य, भगवान का साम्राज्य तो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड है ना, ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत मिला करके पूरा ब्रह्मांड है भगवान का साम्राज्य है ना। तो अगर राजा इतने बड़े हैं, उनके हम पुत्र हैं ना, तो हमारा साम्राज्य कितना बड़ा होगा, हमारा सब वो सब कुछ हमारा है जो भगवान का है ना? तो इस पर जबरदस्ती अधिकार जमाने की क्या जरूरत है ना? कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, आप देखो जो पक्षी पशु पक्षी होते हैं, कई बार देखते हैं भी ऐसा कि जैसे अगर मान लो एक राइस का एक बैग रख दिया जाए, राइस की एक बोरी रख दी जाए, इसमें चावल के खूब सारा चावल भरा हुआ है, एक चिड़िया आएगी वो कुछ दाने उठाएगी और खा के चली जाएगी। उसके बाद वैसे ही गाय आएगी, कुछ खाएगी जितना उसका भूख है उसका चली जाएगी। लेकिन इंसान आएगा तो क्या करेगा, पूरी बोरी उठा लेगा और ले जाएगा, कुछ खाऊंगा कुछ बेच भी दूंगा तो और कुछ स्टोर भी कर लूंगा। तो इस वजह से जब ऐसा करते हैं तो फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना तो जरूरी, उतना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर होता है तो फिर वो हमें कर्म बंधन में फंसा देता है वो, तो क्योंकि उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो आप देखते हो कई बार ऐसा बताते हैं, कई बार हमारे पास इतनी धन संपत्ति आती है जब हम अपना व्यवसाय करते हैं कि वो धन संपत्ति जो है बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, और धन संपत्ति बहुत बढ़ जाती है, घर की तड़क भड़क भी बहुत बढ़ जाती है। तो धन संपत्ति ज़्यादा मिलने के लिए के साथ साथ हमारे पास एक जिम्मेदारी भी मिलती है। जैसे कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, अगर कोई वित्त मंत्री बनता है, अगर कोई मान लो जज बनता है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस पोस्ट के साथ साथ। तो वैसे ही अगर कोई ज़्यादा धन का स्वामी है तो साथ साथ उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो धन जो है जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक भी वो बांटा जाए धन, और साथ साथ जो जो सभी धन के स्वामी हैं, सभी लक्ष्मी के स्वामी हैं भगवान, उनकी सेवा में भी लगना चाहिए, तो उनकी सेवा के थ्रू ही सब में बंटना चाहिए। तो मंदिरों की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि जो बहुत अमीर लोग हैं, जो जिनके पास अत्यधिक धन है, वो वहाँ दान दे सके और सभी लोगों को प्रसाद का वितरण किया जा सके, सभी लोगों के लिए जो है वो मतलब आध्यात्मिक विकास की व्यवस्था हो, तो इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो इसलिए जिनके पास अत्यधिक धन है तो उन्हें जरूर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने धन का कुछ अंश भगवान को दान अवश्य दें ना, नहीं तो वो धन उनके लिए कर्मफल बन जाएगा ना। उस धन को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड और लॉयर और पता नहीं कौन कौन लगाने पड़ेंगे ना। और फिर भी जितने लोग लगाएंगे वो सारे तो क्या करेंगे, उन सारों को वो धन देना पड़ेगा कुछ ना कुछ हिस्सा। जैसे कई बार हम देखते हैं बड़ी बड़ी कोठी में बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो घर में नहीं रहते, घर में कौन रहता है, सारे नौकर चाकर, वो तो बेचारा दिन भर काम करता है बाहर, नौकर चाकर घर का एंजॉय करते हैं, सारी फैसिलिटी तो वो उठाते हैं, तो मतलब ये पैसा सिर्फ दिखाने के लिए कमाया है। तो जिसके कर्म में जिसके भाग्य में वो पैसा है वो चला गया ना, वो तो यूज़ कर रहा है उसका, हमारे भाग्य में होकर भी नहीं है वो है ना। तो इसलिए क्या होता है, इस तरह से अगर हम जब हम ऐसा अगर एक्शन करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मैंने भी पहले इसका एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि जो घर के चीफ है, हेड है जो है ना, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या वो ऐसा कह सकता है कि घर के मालिक आप हो इस वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, ऐसा कह सकता है कोई? क्या घर के मालिक की वजह से घर में किसी की तबीयत खराब होती है? नहीं होती ना। तो फिर कई लोग हम देखते हैं कि अगर कुछ उनके जीवन में कुछ गलत चीज़ होती है, कुछ गलत घटना होती है, कुछ अपशगुन घटना होती है जो वास्तव में एक्चुअल में अपशगुन नहीं है पर दिखने में लगता है, तो क्या कहते हैं वो कि भगवान की वजह से यह सब हुआ है ना, भगवान के होते हुए कैसे हो गया ये ना, बस वही है वजह इसकी ना।
तो जैसे घर का मालिक वजह नहीं है किसी के बीमार होने की, उसी तरह से अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी वजह भगवान नहीं है ना। तो हम देखते हैं, इसलिए बताते हैं कि अगर वही यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अगर किसी कंपनी के कर्मचारियों के साथ कुछ गलत होता है तो उसका मालिक जो है उसका उत्तरदायित्व नहीं है, वो खुद है कर्मचारी। जैसे किसी की तबीयत खराब हो, उसने आइसक्रीम खा लिया होगा सर्दी में, उसने सर्दी में कम कपड़े पहने होंगे, तबीयत खराब हो गई, ऐसे मालिक क्या कर सकता है? मालिक तो समझा ही सकता है, जबरदस्ती कपड़े थोड़ी पहना सकता है ऐसे। तो कहने का मतलब भगवान भी हमारे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है। जीवात्माएं ऐसा बता रहे हैं आगे, जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती है किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते हैं। जैसे हर व्यक्ति को एंजॉय करने का अलग अलग तरीका ढूंढ लेता है ना। कोई सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा खा करके एंजॉय कर सकते हैं ना, कोई सोचते हैं बहुत ज़्यादा घूम करके एंजॉय कर सकते हैं। तो हर कोई एंजॉयमेंट का अपना अपना तरीका ढूंढ लेते हैं ना। लेकिन अब ये इसमें वो समाओ ये कुछ इसका कुछ संबंध भगवान से नहीं है ना। भगवान ने उनको ऐसा निर्देश थोड़ी दिया आप ऐसे एंजॉय करो ना। कुछ लोग को चोरी करने में आनंद आता है, कुछ लोगों को मारने में आनंद आता है। जैसे एक शिकारी था, उसका नाम था मृगारी। तो वो क्या करता था कि जो लोगों को क्या करता था, जानवरों को आधा मारता था, पूरा नहीं मारता था, आधा मार के छोड़ देता था। तो वो जानवर दिन भर तड़पते तड़पते फिर मरते थे और फिर वो देख करके हंसता था, बहुत खुश होता था। अभी भी आप देखोगे ऐसे राक्षस अभी भी हैं। जैसे कई सारे कसाई खाने हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जानवरों को आधा मारते हैं, मुर्गे के गर्दन थोड़ा सा काटते हैं, फिर उसको डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं, वो अंदर तड़पता रहता है ना, और लोग उसको देखते हैं। तो ये ऐसा जल्लाद जैसा हृदय होता है। तो बता रहे हैं कि ये दिखने में ये कौन सा इंजॉयमेंट है। तो ऐसा करने से इंजॉयमेंट तो नहीं मिल सकता, मतलब ये दूसरों को कष्ट देकर इंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो ऐसा चीज़ भगवान ने नहीं बताया कि इस तरह से इंजॉय करना चाहिए, भगवान ने निर्देश नहीं दिया इसका। तो बता दें यहाँ पे इंद्र दीप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में कर्म के लिए में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। तो लोग ऐसा सोचते हैं इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे और अगले जन्म में क्या करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, ये भी सोचते हैं। तो कई बार होता है कई लोग बहुत सारा कारोबार जमा बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं चलो कुछ धन यहाँ के लिए, कुछ धन साथ में स्वर्ग जाएगा मेरे। तो ऐसा करते हैं लोग कि स्वर्ग सुख की भी कामना करते हैं कि यहाँ से फिर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ फिर इन्जॉय करेंगे। लेकिन स्वर्ग के बारे में बताते हैं ऐसा, स्वर्ग जाने के बाद वापस यहाँ गिरते हैं, बोलते हैं शून्य पुण्य मृत लोकम विशन्ति। जब स्वर्ग लोग जाते हैं क्या होता है वहाँ पे, स्वर्ग में लोक में बुढ़ापा नहीं आता इस तरह से जैसे यहाँ आता है। वहाँ क्या होता है, हमारे गले में एक माला होती है, जैसे माला है मेरे गले में। तो क्या होता है, जब ये हार सूखने लगता है तो मतलब अब आपका स्वर्ग में समय खत्म हो रहा है। जैसे हार सूख जाता है तो व्यक्ति वापस जो है इस भौतिक जगत में आ जाता है, भौतिक जगत में ही है वैसे तो, मतलब वापस नीचे के लोकों में, पृथ्वी लोक में आ जाता है। तो इस तरह से जो है स्वर्ग से अधोगति होती है उसकी। तो स्वर्ग में भी रहने का जो समय है वो निश्चित है, जब तक उसका पुण्यकर्म है तब तक वो स्वर्ग में है, पुण्यकर्म खत्म स्वर्ग से वापस नीचे। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान तथा कथित स्वर्ग सुख की कोई आकर्षण नहीं रहता। ऐसा बताते हैं भगवान जो है आप्त कामी है ना, भगवान खुद सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान इससे बहुत खुश होंगे, मैंने भगवान के लिए कुछ किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तभी भगवान खुश होंगे, भगवान वैसे भी खुश है। लेकिन कुछ करने से क्या होगा कि जो है हम जरूर खुश हो जाएंगे ना। क्रिश्चियनिटी में, मतलब क्रिश्चियनिज्म में एक जो है, जो क्रिश्चियंस एक मतलब प्रोवर्ब भी बताते हैं कि बाय प्रेयर्स लॉर्ड डू नॉट चेंज बट बाय प्रेयर्स द वन हु प्रेस ही चेंजेस। प्रार्थना करने से हम भगवान को नहीं बदल देंगे ना, ऐसा नहीं बहुत जोर जोर से प्रार्थना करेंगे हम भगवान को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने से हम बदल जाएंगे। तो प्रेयर्स हम किस लिए करते हैं भगवान से, ताकि हम बदल सकें, इसलिए नहीं कि भगवान मेरे को दे दो जो है अपना, मैं उससे एंजॉय करूँगा, आप रहने दो, आप उधर ही रहो। तो इसलिए नहीं करते प्रार्थना, प्रार्थना भगवान से इसलिए करते ताकि हम बदल जाएं, ठीक है। तो ये बताते हैं, तो भगवान स्वर्ग सुख की कामना भगवान को नहीं होती, इसलिए स्वर्ग का सुख तो बहुत छोटा सुख है, कुछ भी नहीं है वो तो। तो ऐसे इसके दो एग्जाम्पल आते हैं, मैं दोनों एग्जाम्पल बताऊंगा आपको।
जैसे एक बार क्या हुआ कि बद्रीनाथ धाम का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा ना, कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ धाम कभी मौका मिला? अच्छा प्रभु जी गए हैं, आपका नाम प्रभु जी? रवि शर्मा, रवि छावड़ा प्रभु जी जो गए भी हैं बद्रीनाथ धाम, तो वहां पे किनका धाम है? हाँ, वैसे वहां पर नर नारायण ऋषि ने वहां पर तपस्या की थी बद्री का आश्रम में। तो नर कौन है? नर ही जो है अर्जुन बनते हैं और नारायण स्वयं भगवान है कृष्ण। तो जो नर नारायण है तो उसमें बताते हैं एक बार जब वो तपस्या कर रहे थे तो स्वर्ग से जो है इंद्र को ना बड़ी चिंता हो गई कि ये तपस्या कर रहे कहीं इनको स्वर्ग तो नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कई लोग जब तपस्या करते हैं ना तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छिन जाएगा। तो फिर अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बहुत सारी अप्सराओं को भेजा कि इनको तपस्या भंग करो ना, तो वो तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने क्या किया अपने शरीर से जो है उर्वशी को प्रकट किया। तो जब उर्वशी प्रकट हुई ना तो उर्वशी के सामने बाकी सब ऐसे लग रही थी बाकी सब अप्सराएं जैसे दाए हो ना, काम करने वाली बाई हो जैसे, तो एकदम बदसूरत सी लग रही थी बाकी सब देखने में। तो सब लोग शर्मा गई, सब लोगों ने नृत्य करना बंद कर दिया अप्सराओं ने ना, सब लोग सोचे ये तो हमसे बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, इसके सामने क्या करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि देखो उर्वशी को ले जाओ, इनको इंद्र को दे देना ना, कि मतलब मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर इंद्र को जाकर के उन्होंने उर्वशी दे दिया। इंद्र समझ गए कि ये जो है भगवान है, इनको इस तरह से नहीं मोहित कर सकते, इनको जरूरत नहीं है। वैसे एक पास टाइम आता है, और एक बार क्या हुआ द्वारका की रानियाँ थी ना, तो उनको वो देखते थे कि भगवान हमेशा नींद में भी कृष्ण राधा राधा करते रहते हैं, राधा रानी का नाम लेते रहते हैं। कौन है राधा रानी है ना, कि इतना कौन सा ऐसा काम कर दे उन्होंने, कैसी दिखती हैं जो इतना मतलब इतना भगवान उनके उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बार सोचा चलो सबने प्लान बनाया कि चलो देखने चलते हैं कौन है ये राधा ना। तो फिर वो गए आ गए फिर वृंदावन गोलोक धाम में कि तब बढ़े सब लोग। तो उन्होंने जब गोलोक धाम पे पहुंचे तो उन्होंने एक गेट मिला ना, द्वार पे एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो उन्हें देख करके उन लोग लगभग बेहोश होने वाले थे। तुम बोले कि अरे अच्छा आप हो राधा रानी क्या? तो कहा राधा रानी नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ। अच्छा आप सेविका हो, सेविका इतनी सुंदर है राधा रानी कैसी होगी? फिर उसके बाद वो वहां से आगे बढ़े, फिर अगला द्वार आया, फिर वहां पे एक और स्त्री खड़ी मिली। तो बोला अच्छा तो उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो बोला अच्छा तो आप राधा रानी हो? प्रणाम करने के लिए सबने जो प्रणाम कर लिया उनको। बोला नहीं 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 मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो सेविका हूँ इनकी। बोला अच्छा आप भी सेविका हो, तो फिर राधा रानी कैसी होगी? ऐसे करते करते दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें द्वार पे पहुंच गई। तो सातवें द्वार पे जो स्त्री आई उनको देखा जब बोले कि ये तो बराबर राधा रानी है, बिल्कुल इतनी सुंदर, सब लोग बेहोश हो गए ना उस समय। तो उन्होंने जल छिड़का उनके ऊपर, बोला अरे मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो अंदर बैठी है। बोला अच्छा ये दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कैसी होगी ना? तो फिर वो अंदर गई ना सबके सब। तो राधा रानी को जब देखा तो बिल्कुल ही बेहोश हो गई, एकदम मतलब होश में नहीं आ रही थी काफ़ी देर तक ना। तो ऐसा बता रहे हैं इसलिए कि जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो इस भौतिक सुंदरता से बहुत ऊपर है ना, उसकी इससे तुलना नहीं की जा सकती, इवन स्वर्ग की तुलना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए भगवान का स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है, और सब कुछ तो भगवान के अंदर है। भगवान ने अपने ही शरीर से ना उर्वशी को प्रकट कर दिया। कई लोग ऐसा जो है वो भगवान के ऊपर आरोप भी लगाते हैं, और कई बार जो है लोग भगवान को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जब भगवान की राधा है ना कृष्ण की राधा है तो हमारी क्यों नहीं ना। कृष्ण की राधा कृष्ण से अभिन्न नहीं है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जीव गोस्वामी ने एक जो है बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग भी लिखा है, कृष्णा प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरी, ऐसा एक सॉन्ग भी है ना, कृष्णा प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरी, जीवने न धने नित्यम राधा कृष्ण मतीर ममा। बोलते हैं कृष्णा प्रेम मई राधा, कृष्ण का जो प्रेम है वो राधा है, राधा प्रेम मयो हरी, राधा का जो प्रेम है वो कृष्ण है। ये दोनों दो शरीर है लेकिन एक ही आत्मा है। बाकी लोग कितना भी कहते रहे हम दो शरीर एक आत्मा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनके केस में ऐसा है, दो शरीर है लेकिन आत्मा एक ही है। तो जब अलग है ही नहीं ना, कई लोग बोलते हैं उन्होंने विवाह तो किया नहीं, जब अलग है ही नहीं, विवाह किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है ना, जब अलग ही नहीं है तो विवाह किसका प्रश्न कहाँ से उठ गया? तो दोनों तो एक ही है। जैसे कि मान लो कि मैंने कोट पहन रखा है ना, या फिर मेरा हाथ है ना,
ये मेरा हाथ ने एक नया रूप ले लिया है ना, और ये हाथ एक नया मूर्त एक मतलब व्यक्ति का रूप ले लिया, तो ये मेरा ही हाथ है। इसको मैं हाथ को मैं कुछ भी पहनूं या इसको तोड़ूं या कुछ भी करूं, मेरा हाथ है ये तो, है ना। तो लेकिन ऐसा बताते हैं कि जब भगवान स्वयं, अगर भगवान और राधा रानी एक ही हैं, और भगवान मतलब एक तरह से राधा रानी भगवान का ही अंश है बिल्कुल, तो फिर अलग करने की क्या जरूरत है ना ऐसे। तो इसका भी एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कि अगर मान लो कि बांसुरी के धुन है ना, जैसे हवा हमारे अंदर है अभी, है ना, अभी अंदर हवा है तो उसका आनंद है ना, श्वास ले रहे हैं हम, लेकिन अगर यही हवा अगर बांसुरी में जाती है तो उसका सुरीली आवाज़ हमारे कानों में जाती है, उसका एक अलग आनंद है, ज़्यादा आनंद है ना वो। फिर जब वही हवा जब बाहर निकल रही है हमारे शरीर से ना? और बांसुरी में जा रही है, तो उसका एक अलग ही आनंद है। तो इसलिए भगवान अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए इसलिए राधा रानी को विस्तृत करते हैं, क्योंकि अगर वही चीज़ हमसे अगर प्रकट होती है तब उसका आनंद बढ़ जाता है। जब तक वो धुन हमारे अंदर थी तब तक कोई आनंद नहीं था, लेकिन जब हमने गाना शुरू किया बांसुरी पे तो फिर उसका आनंद मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में संबंध है। तो इसलिए जो भगवान को है, स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है भगवान को, स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। वास्तव में स्वर्ग के सारे देवता कौन है? भगवान के सेवक है। कई बार स्वर्ग के देवता भी ऐसा भूल जाते हैं ना, जैसे कि एक बार ब्रह्मा जी का भी मान भंग किया भगवान ने, इंद्र का भी मान भंग किया भगवान ने। ब्रह्मा जी का मान भंग कभी आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ना एक बार तो उनके ग्वाल वाल को चुरा लिया ना, एक बार खुद जो है वो ब्रह्मा जी मिलने चले गए द्वारका भगवान से ना, मिलने चले गए, फिर द्वारपाल को बोलते हैं जाओ भगवान, जाओ कृष्ण को बोलो कि मैं ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो फिर कृष्ण द्वारपाल को बोलते हैं जाके पूछो ब्रह्मा जी से कौन से वाले ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी से जब ये पूछा गया ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, कौन से वाले ब्रह्मा जी आए हैं, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। तो इस तरह से कई बार जो है देवताओं का भी मान बढ़ जाता है, लेकिन देवता लोग एक्चुअल में कौन है? भगवान के नियुक्त सेवक है ना? पर इस भौतिक जगत में रहने की वजह से कभी कभी उनके ऊपर मतलब जो प्रभुत्व की भावना आ जाती है ना? स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता ना, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, वैदिक स्मृति से इस बात की पुष्टि होती है। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं उसकी वजह, उगने की वजह क्या है? वर्षा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। उसके उगने की वजह वर्षा नहीं है ना? वर्षा तो सिर्फ एक ऐसा लगता है बिना वर्षा के तो उगेगी नहीं, लेकिन उसका फिर भी वजह वर्षा नहीं है ना? सिर्फ वर्षा होगी तो नहीं उगेगा ना? बंजर जमीन पर वर्षा होगी तो क्या उगेगा, क्या वनस्पति? नहीं उगेगा, बिल्कुल नहीं उगेगा। तो इसलिए तो कैसे होता है वो? सिर्फ भगवान के दृष्टिपात की वजह से होता है। भगवान के दृष्टिपात होने से ही जो है जमीन जो वापस से उपजाऊ होती है। जैसे बताते हैं एक बहुत ही जो है राक्षस डिमोनियक राजा था ना, जो लोगों पे बहुत निरसंस था, वेण ना, वो जब उसका राज्य था तो धरती माता ने अन्न उपजाना बंद कर दिया था ना। तो ऐसा क्यों उपजाना बंद कर दिया था? तो बताते हैं जब जो शासक है वो जब अधार्मिक हो जाता है, जब वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, तो धरती माता जो अन्न देना बंद कर देती है, अन्न देना कम कर देती है, बंजर होती चली जाती है। तो इसलिए जब पृथ्वी महाराज जब वापस से राजा बने तब जो है धरती माता ने वापस से अन्न देना शुरू किया। तो इसलिए वर्षा नहीं है वजह इसकी, इसकी वजह कौन है? स्वयं परम भगवान है ना, उनके दृष्टिपात से ही होता है ऐसा। तो फिर आगे बता रहे हैं कि प्राणियों में अनेक जातियां होती है, तथा यथा देवता मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगने के बाध्य हैं। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं जो इस बात को समझ लेता है कि भगवान जो है कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं, भगवान कर्म के बंधन से मुक्त हैं, वो क्या होता है? वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? कि हम इस बात को समझ जाएं कि भगवान कर्म के बंधन से मुक्त है। अब इस बात को कैसे समझा जा सकता है? कभी कभी ऐसा लगता है सुन के समझ लेंगे क्या इस बात को? सुन के समझना इतना आसान नहीं है, समझ भी लेंगे तो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने जो उपाय बताया है वो करना जरूरी है। जैसे इससे पिछले वाले अध्याय में भगवान ने बताया था चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, जो है चार वर्णों के आधार पर मैंने सोसाइटी का जो है वर्गीकरण किया है। और बोलते हैं भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ वो धर्म है, भगवान ऐसा कहते हैं।
तो जब भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और फिर आदेशों का पालन करते हुए इस बात को हम जान जाते हैं कि जो है भगवान जो है कर्म के फल से मुक्त है, तो ऐसा बताते हैं भगवान, जो मेरी दिव्यता को पहचान जाता है कि मैं दिव्य हूँ, है ना, वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो फिर इस क्लास को यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।